बैठेगा, इंडस्ट्री पे बात होगी, क्लीन एयर के ऊपर बात होगी, डिबेट होगी, क्लीन वाटर के ऊपर बात होगी और हमारी जीडीपी के ऊपर बात होगी। तो हमने पिछली सरकारों में एक गलती करी हुई है, वो ये आज हम उसके खामियाजे भुगत रहे हैं। इन भाइयों ने और हम लोगों ने आँख बंद करके बटन दबाया हुआ है। इस सरकार को बहुमत ही नहीं दिया था बल्कि पूर्ण बहुमत दिया था, उसी का आज नतीजा है, उसी का नतीजा है ये। आज हमारी माताएं बहनें रोड के ऊपर बैठी हुई है, मनमानी फैसले लिए जा रहे हैं, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। कैसे कह सकते हो तानाशाही है? देखिए सर, ऐसा है, तानाशाही का कैसे कह सकते हैं, आपका बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। जग जाहिर है, बोल दिया ना आपने, जब आपको ये नहीं मालूम हमें क्या नियम लगाना है, आपको ये नहीं मालूम हमें नोटबंदी कब करनी है, तो और आपको ये नहीं मालूम जीएसटी कब लगानी है, रेरा कब लगाना है, जो भी कोर्ट, जुडिशियली, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आरबीआई, जो भी कोई अधिकारी या हिंदुस्तान का बाशिंदा, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी, यदि कोई इस सरकार के विरोध में कोई आवाज़ उठाता है तो उसको टेररिस्ट बोला जाता है, प्रोटेस्ट उसको बोला जाता है, आतंकवादी। पाकिस्तान विपक्ष खत्म करके रखा हुआ है इन्होंने। लोकतंत्र का एक नियम है सर कि आप विपक्ष का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज विपक्ष इन्होंने शून्य 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 जीरो बटा सन्नाटा किया हुआ। छह साल हो गए मोदी सरकार को, छह साल में क्या लगता है कैसी नीतियां रही है और क्या देश हित में? कोई देश हित में नहीं है, बेहूदगी भरी नीतियां हैं। और इनकी नीतियों के विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके यूट्यूब चैनल माध्यम से कि इनके मैक्सिमम फैसले गूगल पे आप जाके देखिए, नेट पे जाके देखिए, इनके फैसले अचानक ही हुए हैं सब। गोधरा कांड अचानक हुआ, जीएसटी अलग अलग अचानक लगा, रेरा अचानक आया, नोटबंदी अचानक आया, बड़े बड़े पुलवामा अटैक जो हुआ वो भी अचानक हुआ, पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने वो भी अचानक हुआ, आरसीसी ये आपके सामने ही है ये भी अचानक हुआ, एनआरसी, और इसके बाद अचानक ही ये पीएम बने, अचानक ही सीएम बने, अचानक ही गोधरा कांड हुआ और अचानक ही इनकी विदाई हो जाएगी, अचानक ही इनकी विदाई होनी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार को लोगों ने बहुमत नहीं दिया, पूर्ण बहुमत दिया था, उसका हमें आउटपुट क्या आया, ये सरकार, आप मेरी बात डालिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये सरकार नारी शक्ति से टकराने का गुनाह कर चुकी है, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या क्या कहोगे जिस पर? भाई मैं देखो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उससे ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है, पूरा देश जानना है। अगर आप एक बात बताइए, अगर एनआरसी और सीएबी अगर सही होता, चलो हिंदुस्तान में जो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इसके विरोध में हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन क्या जो बाहर देश के लोग वो भी बेवकूफ़ हैं? बाहर देश में जहाँ तक के यहाँ से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका में देखा मैंने साउथ अफ्रीका में देखा, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर और यहाँ के प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात है कि हमारे देश के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो हमारा पासपोर्ट है, जन्म पत्र है, ये हर इंसान के अपने देश के लिए अपनी पहचान होती है। आज हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम अपना पासपोर्ट दिखा के बता सकते हैं हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, अफसोस की बात है कि अपने मुल्क में हम इस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि अपने ही मुल्क में रहकर, यानी घर हमारा है लेकिन कब्ज़ा कोई और करना चाह रहा है। सबसे बड़ी बात, आज कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ये सुनवाई इस चीज़ की हो रही, प्रोटेस्ट हटाया जाए, लेकिन जिस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है इस चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है कि ये चीज़ ख़त्म की जाए। अभी पूरा देश हमारा पीछे भाग रहा है, न जाने कितने घाटे में देश जा रहा है। इस सब को छोड़कर हमारे नौजवान भाई बिखर रहे हैं, सारे लोग मर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, इन सब को छोड़ छाड़ के इन सब की क्या ज़रूरत थी भाई? हिंदुस्तान में जगह जगह बीमारियां हैं, जगह जगह जो है वायरस फैले हुए हैं, जगह जगह नाले, सड़कें, हर चीज़ टूटी फूटी पड़ी है, इतनी गरीबी है। अगर जो पैसे मेहनत इसमें लग रहे हैं वो अगर इसमें लगा देते तो कितना फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आपने अक्सर देखा होगा जो नेताओं लोगों का डिबेट होता है, जो नेता लोग डिबेट करते हैं, उसमें मुझे बहुत अफसोस की बात होती है कि वो लोग क्या करते हैं, इधर कांग्रेस वाले खड़े हो गए, इधर बीजेपी वाले, इधर आम आदमी पार्टी, बिल्कुल कोई भी, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, हालांकि आजकल तो जनता इतनी पढ़ी लिखी हो गई है, अगर किसी पार्टी का नाम भी मुँह से ले लो तो कहते हैं इस पार्टी का, लेकिन मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये लोग जब डिबेट के लिए खड़े होते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं कि
नहीं हमने चोरी की नहीं की तो तुमने वहाँ से घाटा नहीं किया, अगर मैंने यहाँ से जो है इतने पैसे दिए तो तुमने वहाँ से उतने पैसे बढ़ाए। सरकार में एक मिनट मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग सिर्फ आज जनता सामने है, जनता भी सामने है, लेकिन ये लोग एक दूसरे की बुराई कर करके डिबेट का टाइम खत्म कर देते हैं, पब्लिक का टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब पब्लिक को समझ में आता है हाँ यही सत्य, लेकिन कभी ये नहीं करते कि अगर बीजेपी वालों ने ये काम किया तो आम आदमी पार्टी वाले के मैंने ये किया। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप आपकी सरकार है मेरी सरकार है, अगर आपने बुराई की है, बस एक मिनट, आपने अगर अच्छा काम किया मैंने बुरा किया तो बुराई को नहीं देखी जाएगी, अच्छाई को दिखाएगा और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्या लगता है जो माहौल देश में बना उसमें मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? देखिए मीडिया वाली जो बात है, अब मीडिया को तो सभी देख रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, मीडिया कौन सही कौन नहीं सही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि प्लीज मीडिया के ऊपर देश को भरोसा है, सच दिखाओ, सच का साथ दो। अब मीडिया से मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया हमारे साथ खड़े हो और जो यहाँ हो रहा है कितनी परेशानी हो रही है इन सब का साथ दें। तो मीडिया एक वो शीशा है जिसमें लोग हकीकत देखते हैं, समझ रहे हैं, मीडिया वो शीशा है, और अगर शीशे में ही इंसान को गलत शक्ल देखने लगेंगे तो वो अपने आप को देखना पसंद नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मीडिया को ये चाहिए कि सच दिखाए, किसी के दबाव नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम लोगों को देखो कितना बलगाया जा रहा है, कितना लड़ने के तैयार किया जा रहा है, कभी कुछ, लेकिन हम जब तक ये नहीं हटेगा जो भी NRC वगैरह है, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले, ठीक है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।